1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण विशेष महाअभियान को सफल बनाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करने की सीतापुर वन विभाग ने क्या तैयारियां की हैं? सीतापुर में इस बार पौधारोपण का लक्ष्य कितना रखा गया है? वृक्षारोपण में कौन कौन से खास पौधों के लिए जोर दिया गया है? इसको लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने डीएफओ डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे से खास बातचीत की। 25 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के क्रम में सीतापुर में भी वन विभाग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए मुस्तैद है। 52,68,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य सीतापुर में रखा गया है। हमारे साथ डीएफओ डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस दौरान इस बार खास क्या होने वाला है, कौन कौन से वृक्षारोपण पर ज़्यादा जोर दिया जाने वाला है, साथ ही कोरोना काल में वह कैसे लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं, कितना लक्ष्य है और कैसे आप पूरा करने जा रहे हैं। हमारे जनपद का कुल 52,68,000 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। गड्ढे खोदे जा चुके हैं और जो गड्ढे खोदे गए हैं उनके लिए पौधों की आपूर्ति हेतु इंडेंट जारी किए जा चुके हैं और जो भी विभिन्न विभागों को इंडेंट जारी किए गए थे उसके अनुसार उनके द्वारा 99% ढुलान कार्य आज तक पूर्ण कर लिया। खास अगर पौधों की बात करें हम तो कोई खास लक्ष्य रखा गया है, किस प्रकार के पौधे इस बार ज़्यादा रोपित किए जाएंगे? देखिए पंकज जी, पिछले सालों में हम लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, प्रत्येक गांव में जा कर के सूक्ष्म योजना बनाई गई प्रत्येक ग्राम सभा की, उसमें ग्रामीणों की जो मांग थी, जिन प्रजातियों की सबसे अधिक मांग थी उसके अनुसार पौधों को हम लोगों ने इस साल उगाया, जिसमें कि गांव में लोगों में फलदार प्रजातियों की काफ़ी डिमांड होती है, उसके क्रम में हम लोगों ने इस साल कुल जो है 7,00,000 पौधे फलदार उगाए, जिसमें अमरूद है, आम है, इमली है, आंवला है और इस तरह की कई प्रजातियां हैं, इमली जामुन है, तो ये सारी प्रजातियां हम लोग उगाए हैं जिसको गांव वालों को हम लोग देने जा रहे हैं। औद्योगिक प्रजातियों में सबसे अधिक जो डिमांड होती है वो होती है सागौन की, सागौन भी हम लोग 18,00,000 पौधे सागौन उगाए हैं जिसको गाँव में हम लोग दे रहे हैं। इसी प्रकार शीशम की प्रजाति है, वो भी औद्योगिक प्रजाति है, उसकी भी डिमांड होती है। सेमल है और कुछ शहरी क्षेत्रों में जो नगरीय क्षेत्रों में है वो शोभा का रमलतास है, गोल्ड मोहर है, इस तरह की प्रजातियों को हम दे रहे हैं। खासकर वन विभाग ने इस बार कितना लक्ष्य रखा हुआ है, अगर विभाग बार बात करें तो कितना लक्ष्य रखा गया है? देखिए वन विभाग का जो टोटल इस साल का लक्ष्य था वो 16,31,000 का था, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने 16,65,000 की प्रगति की है और हमारी पूरी तैयारी है, स्थल चिन्हित हैं, वहाँ गड्ढे खुद चुके हैं, गड्ढों में जो भी हमारी टेक्निकल जो हमारा नोहाउ है उसके अनुसार हम कार्य कर चुके हैं, अभिक्षेपण की पूरी तैयारी है, पौधे हमारे हर साइट पे 100% पहुँचाए जा चुके हैं। अब इंतज़ार है उस स्थिति का 5 तारीख का कि 5 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए एक साथ वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कोई खास स्थल जहां पर आपको इस दौरान महसूस हुआ हो कि यहां वृक्षारोपण ज़्यादा करने की आवश्यकता है, ऐसा कोई चिन्हीकरण हुआ है? ऐसा है कि जो इस वृक्षारोपण महाअभियान की जो मूल भावना है जन जागरण के द्वारा वृक्षों का वृक्षारोपण, और इसमें जागरूकता उत्पन्न करके ग्रामीणों के अंतर्गत इनको जागरूक किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक एक दो दो पौधा भी लगाए तो हमारे प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, 44 करोड़ पेड़ होते हैं और उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो निस्संदेह हम जो एक हरियाली का हमारा जो एक प्रतिशत है इसको बढ़ाने में कामयाब हो। पिछले 1 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमारी नर्सरी का कार्य होता है, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, नर्सरी का लक्ष्य था 95,00,000 पौधों का। इसी में आपको पता है कि मार्च में कोरोना काल आया लेकिन हमारा कोई कार्य बंद नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा कार्य है कि यदि हम उसमें छोड़ देते हमारे पौधे सब नष्ट हो जाते। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करते हुए नर्सरियों में हमने सारे लेबरर्स को मास्क दिए, हमने वहाँ सैनिटाइजर रखवाए, वहाँ साबुन रखवाए, पानी रखवाए और दूर दूर बैठा करके इसका ध्यान दिया, और इसको कई स्तर से इसका निरीक्षण भी हुआ, बड़ा अप्रिसिएट किया गया
सीतापुर की नर्सरियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यों को कराना। डीएफओ का मानना है कि चूंकि डिमांड के अनुसार इस बार वृक्षारोपण किया जाएगा, इसी पर उनका फोकस है। अब उन्हें लक्ष्य भी पूरा करना है और लोगों की डिमांड भी पूरी करनी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंगौर।